हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविलाइजिंग प्लान्स। तो देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको सेंटर लाइन का बारे में बताना चाहता हूँ। इस सेंटर लाइन की मदद से क्या है, कॉलम का पोजीशन पिट के अंदर करते हैं। पिट के अंदर जो है कॉलम्स का पोजीशन लेके वर्क चलता है। एंड देखिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक, और आपको इसी तरह से हमारे चैनल पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वीडियोज़ मिलते हैं। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जहाँ पर भी टेम्पल है तो टेम्पल रहा तो भी आप क्या करते हैं दोस्तों, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है दिल से, साउंड मत लगाइए यार। कौन सा भी धर्म का हो, चाहे वो राम का हो या फिर कोई और मस्जिद हो या फिर चर्च हो, प्लीज़ आप अपने हिसाब से प्रेयर करिए या फिर नमाज पढ़िए या फिर आप प्रार्थना करिए अपने हिसाब से, मगर दूसरों को डिस्टर्ब मत करो यार। एक रिक्वेस्ट है दिल से आप सभी से, कोई भी पुजारी देख रहे हैं या फिर कोई और बंदा, बिकॉज आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी नॉट इन रिलीजन। एंड बात करते हैं इस प्लान के बारे में, या फिर ये जो काम चल रहा है ना यहाँ पर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लान है, प्लान में देख सकते हैं आप। पहला शुरू पीछे वाला कॉलम के बारे में दिखाऊंगा। ये सेंटर लाइन डोरी, जैसे कि ये देख रहे हैं आप सेंटर, तो सेम वैसे ही ये 2.5 जो आप देख रहे हैं, 2 फीट 7.5 इंच छोड़ के फिर नेक्स्ट 3 फीट 30-40 है ना, 3 फीट 10.5 इंच छोड़ के फिर नेक्स्ट सेंटर टू सेंटर तक जो है 12 फीट 9 इंच रहेगा, मतलब 1 फीट कम लिया गया बिकॉज थोड़ा सा ऑड मिल रहा था उसकी वजह से। फिर 2 फीट 4.5 से लेके फिर वो सेंटर से लेके ना यहाँ पर 11 फीट तक लिया गया। फिर नेक्स्ट इसका कॉलम का सेंटर से लेके 25 इंच 1.5 तक लिया गया है ये कॉलम। ये था कुछ पोजीशन, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फीट। ओके, इधर पीछे से थोड़ा सा जगह छोड़े गए, यानी कि 2 फीट जगह छोड़े गया प्लस 4.5 इंच यहाँ पर, तो 2 फीट 4.5 इंच जगह मिल रहा है आपको। फिर ये सेंटर से लेके यहाँ तक 11 फीट, फिर सेंटर टू सेंटर जो है ना 16 फीट 6 इंच, यहाँ पर और कॉलम आ जाएगा, ये कोने में आ रहा है। ओके, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एंड स्टेयरकेस इस वाले पोर्शन में आ रहा है, मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा किस तरह से वर्क हुआ है यहाँ पर वो सब देख सकते हैं। ये पीछे वाला कॉलम, इधर ये जो आउटर बाउंड्री पॉइंट था वहाँ से ऑफसेट एरिया छोड़े गए। ओके, वो सेंटर से लेके ये सेंटर तक आपको 11 फीट 9 इंच तक मिल रहा है, एंड फिर ये सेंटर टू सेंटर तक 11 फीट तक जगह मिला है। एंड सेम ये 3 कॉलम हो गए, फिर उसके बाद वहाँ से लेके यहाँ तक करीब 11 फीट, ये कॉलम थोड़ा सा आगे पीछे है। ओके, यहाँ पर जो है किचन आ रहा है ये वाले पोर्शन में किचन, फिर नेक्स्ट ये वाला पोर्शन में एक बेडरूम आ जाएगा, इधर जो है एक टॉयलेट रूम, अटैच टॉयलेट रूम ले सकते हैं, एंड इधर और एक बेडरूम आ रहा है, यानी कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ। एंड यहाँ पर जो है एक ए पिट है ना, इसके बाजू में 6 फिट है, यहाँ पर जो है स्टेयरकेस आ जाएगा। तो इधर आपको लगभग सेपरेट टैंक टॉयलेट रूम भी आ जाएगा और एक अटैच टॉयलेट रूम, ये वाले बेडरूम भी आप दे सकते हैं। ये जो है वेल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से बनाया गया वेल, ये थोड़ा सा पार्किंग एरिया मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर एक हॉल, और बाजू में जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ और ये बेडरूम इस तरह से मिलता है। एंड नेक्स्ट ये पिट में कैसा वर्क किया गया वो आपको बताऊँगा, लेट्स सी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले पोर्शन में ये 4x4 का, एंड ये इधर जो है 7.5 इंच 7.5 इंच ये सेंटर पॉइंट, मतलब जब भी आप कॉलम का वर्क करते हैं ना तो सेंटर पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद नेक्स्ट वर्क आ जाएगा। ये सेंटर पॉइंट 7.5 7.5, इधर 4 4.5 और 4.5, तो इस तरह के कॉलम का पोजिशन आता है। एंड इसको 6 इंच का ये PCC बेड जो है 6 इंच का रहेगा, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC हम बोलते हैं, और रेशियो 1:1 part of cement 3 part of sand एंड 6 part of coarse aggregate 1:3:1, मतलब M15 भी आप ले सकते हैं, M15 लीजिएगा उसके लिए, बट वो तो साइड पे नहीं हो जाएगा, 6 इंच का रहेगा, मतलब 4 इंच ही डालते हैं। अब इसके बाद कॉलम बिठाने का पोजीशन रहता है, एंड सबसे बेस्ट अब पेंट लगाना चाहिए, कॉर्नर जितना भी है वो पेंट लगाए तो क्या है इन फ्यूचर में आपको दिखता है सही तरीके से। ओके, सेम ऐसे ही एज यूजुअल सभी वर्क हुआ है।
तो यही था इस वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरलैंड. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट दिस चैनल टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. हैव अ ग्रेट डे. ये जो मैं बताया था यहाँ पर गैप जो ऑफसेट एरिया रहेगा ना 2 फीट प्लस 4.5 इंच तो आपको ओ वाला मिल जाएगा. इस तरह का आ रहा है पोर्शन. अभी यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है तो उसकी वजह से एक प्लिंथ बीम लेना आवश्यकता है. देखते हैं, अब डिपेंड करता है बजट ऑफ द हाउस ओनर. बिकॉज 3-4 मंजिल आप बांधना चाहते हैं तो प्लिंथ बीम कंपलसरी लीजिएगा. यार रिक्वेस्ट है आप सभी से, कोई भी हो कौन सा भी टेम्पल हो प्लीज़ साउंड मत रखिएगा. आप जो भी सेलिब्रेट करते हैं आप अपने घर में करना चाहिए या फिर अपना खुद का जो एरिया है दूसरों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़, चाहे वो कौन सा भी टेम्पल हो. ओके.